वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दाल की एक अलग और स्पेशल रेसिपी जो कि है अचारी दाल। दाल तो हर घर में बनती है, मगर आज हम अचारी मसालों के साथ कुछ डिफरेंट स्टाइल में दाल बनाएंगे। और ये दाल इतनी लाजवाब बनती है कि एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश होगी। एक अलग ही जायका आ जाता है इस अचारी फ्लेवर से इस दाल में। तो चलिए इस दाल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दालों को भिगो लेंगे। आधा कप मैंने ली है मूंग की दाल और आधा कप ही मैंने ली है मसूर की दाल। ये छिलके उतरी हुई दाल है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तुअर की दाल। इन सभी दालों को हम 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। और आधे घंटे बाद फिर हम पकाना शुरू करेंगे। अब दालें हमारी भीग चुकी हैं, तो यहाँ हमने एक कुकर ले लिया है, प्रेशर कुकर, और भीगी हुई दाल को हम इसमें डाल देंगे और उसमें हम 2.5 से 3 कप पानी डालेंगे। दालों को हमें गलाना है अच्छी तरह। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे एक बार चला देंगे अच्छी तरह। उसके बाद प्रेशर कुकर की लिड लगाकर 1-2 सीटी आने तक या दाल के टेंडर होने तक हम इसे पका लेंगे। अब यहाँ हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम अचारी मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 चम्मच सौंफ ली है और 1 चम्मच लिया है सूखा धनिया, आधा चम्मच लिया है हमने साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच राई ली है और 1/4 चम्मच हम लेंगे मेथी दाना और 1/4 चम्मच ही हम लेंगे कलौंजी। इन सभी मसालों को हम बिल्कुल कम आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1-2 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च तोड़ कर डालेंगे और इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इन सभी मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। ये देखिए हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, जिसे ड्राई मैंगो पाउडर भी कहते हैं, और 2 पिंच हम इसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमने 4-5 हरी मिर्च ली है। मिर्च थोड़ी सी मोटी वाली लें, ज़्यादा बारीक वाली ना लें। इसको इस तरह से हमने इसमें चीरा लगा दिया है। अब जो अचारी मसाला हमने तैयार करके रखा था वो अचारी मसाला लेंगे और इस तरह से मिर्चों में भर देंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह मिर्चों में अचारी मसाला भर देंगे और सभी मिर्चों की अचारी मसाले से स्टफिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने मिर्चें तैयार करके रख ली हैं। इधर हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें 3-4 चम्मच तेल गर्म किया है और उसमें 1 प्याज बारीक काट कर हमने इसमें डाला है। प्याज को कुछ देर हम फ्राई करेंगे। जब प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें 4-5 कली लहसुन की काट कर डाल देंगे और फिर लहसुन और प्याज को हम कुछ देर फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे कम आंच पर कुछ देर फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें हम 2 टमाटर बारीक काट कर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इसे हम और पकाएंगे। जब तेल अलग होने लगे मसाले से तो इसमें हम जो दाल हमने तैयार करके रखी थी, गलाकर तैयार करके रखी थी, वो दाल इसमें हम डाल देंगे और अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे और इस दाल को कुछ देर पकने देंगे 4-5 मिनट के लिए। अब यहाँ एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच हम देसी घी के डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। यहाँ हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं।
इसमें सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा जब हल्का सा क्रैकल हो जाए तो इसमें डालेंगे हम 2 इंच हींग, और हींग डालने के बाद इसमें जो हमने मिर्ची तैयार करके रखी थी, अचारी मसाले से स्टफ़ करके रखी थी, वो मिर्च हम इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट तक इसे हम पका लेंगे बिल्कुल कम आँच पर। मसाले ज़्यादा जलने ना पाए, बस 2-3 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। उसके बाद इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे और दाल में डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इसे हम 4-5 मिनट और पकाएंगे बिल्कुल कम आँच पर। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक काट कर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दाल हमारी बनकर एकदम तैयार है। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए पूरी, परांठे या रोटी के साथ, या चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन लगती है। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।